हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है कि यूज ऑफ देयर का, देखो जो हमारे जो यूज ऑफ देयर है उसकी बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है, इससे पहले मैं तुम्हें जितने भी चैप्टर करवा चुका हूँ हमारे पास पहले, वो सारे के सारे चैप्टर तुम्हें आने चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास एक ऐसा है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इस चैप्टर को ये मान लो, जिसको ये चैप्टर आ गया तो वो कम से कम 20 से 25% तक की जो कन्फ्यूजन है उसको खत्म कर लेगा इंग्लिश के अंदर, कि हम कहाँ कहाँ पे किसका यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख के चलना है कि जब हमारे पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसके आगे सब्जेक्ट हमें पता होता है कि सब्जेक्ट ये है, अगर हमें सब्जेक्ट पता होता है तो उसको तो हम ठीक है, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो सारी सारी बात हम आज देखेंगे। तो देखो हमारे पास है क्या क्या। सबसे पहले जो मेरे पास है, जो यूज ऑफ देयर की हम बात करते हैं, यूज ऑफ देयर हम कहां पर लगाते हैं, व्हेन यू आर कंफ्यूज विद सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस केस में हम किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं इस केस में हम। तो सबसे मैंने जो टोटल्स की चार कैटेगरी बनाई है, अगर ये चारों की चार कैटेगरी तुम्हें पता लग जाती है, जिसमें मेरे पास ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चार कैटेगरी को अगर तुम समझ जाते हो तो समझो कि तुम्हारे जो देयर की जो जितनी भी कन्फ्यूजन है वो सारे की सारी हट जाएगी। देखो, देयर की कन्फ्यूजन कोई छोटा हो या फिर कोई सा बड़ा हो, उसको कन्फ्यूजन एक बार को होती होती कि देयर कहाँ पे लगाएं और कहाँ पे ना लगाएं। तो देखो जो हमारे पास पहला है उसमें क्या है, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद एनी नंबर, अगर मेरे पास जो सेंटेंस है वो किसी नंबर से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। जैसे पहला मेरे पास है एक राजा था, तो यहाँ पे बोलूंगा, देखो पहले हम लगाएंगे देयर, फिर लिखेंगे वॉज अ किंग। अगर मान लो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता, अगर एक के बदले मेरे पास यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लगाते उसके बाद लिखते कि वॉज अ किंग। जैसे मैं बोलती राम वॉज अ किंग, राम राजा था, तो क्या बोलता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा होता राम राजा था तो ये तो राम वॉज अ किंग। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बोला कि एक राजा था, हम लिखेंगे देयर वॉज अ किंग। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है, मैंने लिखा कि एक लड़का है, तो देयर इज अ बॉय। हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि जहां पे सब्जेक्ट हम लगाते हैं, सब्जेक्ट की जगह बस हमें देयर का यूज करना है और बाकी क्या है कि नॉर्मली हमारे पास हो जाते हैं। उसके बाद देखो मेरे पास अगला सेंटेंस है एक राजा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो सब कुछ सेम है हमारे पास, जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें वो सारा सारा सेम है, बस यहाँ पे देयर का हमने यूज किया है, देयर विल बी अ किंग। सब्जेक्ट की जगह पे हमें सिर्फ देयर लगाना है और सारा हमारे पास नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है दो लड़के हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर आर टू बॉयज, नॉर्मल सा है। देखो यहां से लेके यहां तक जो मेरे पास सेंटेंस है वो तो सारे सारे सेम है, बस हमने देयर का यूज किया है सब्जेक्ट की जगह पे। तो जो पहला केस है, सबसे पहले सबको पहला केस आना चाहिए, जो पहला केस ढंग से समझ जाएगा उसके लिए जो सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ केस है वो बहुत ज्यादा हमारे पास मालूम सिंपल सा हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं मेरे पे, व्हेन नो नंबर, जब मेरे पास कोई नंबर ना हो एंड नो सब्जेक्ट इज गिवन, जब मेरे पास कोई नंबर भी ना हो और कोई सब्जेक्ट भी ना हो उस टाइम क्या करते हैं। तो देखो मेरे पास ना वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है और काउंटेबल थिंग्स भी हो सकती है। तो पहले हम बात करेंगे कि काउंटेबल थिंग्स क्या होती है और अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होते हैं। तो काउंटेबल थिंग्स की अगर मैं बात कर दूं, विच कैन बी काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे मान के चलो मैं बोल दूं फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, जिनको हम गिन सकते हैं। मैं बोल दूं लोग, लोगों को गिन सकते हैं। मैं बोल दूं बुक के पेज, उसको हम गिन सकते हैं। तो ये सारे सारे हमारे पास हो जाते हैं काउंटेबल थिंग्स। मैं दूसरी बात कर दूं अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल थिंग्स क्या होते हैं, विच कैन नॉट बी काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल दूं पानी हो गया, दूध, तेल, ये जितनी भी चीजें होती हैं जो लिक्विड टाइप की होती है, हम उसको क्या काउंट नहीं कर सकते, हम उसे क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल थिंग्स। तो देखो कभी भी अगर मेरे पास क्या है कि ना तो उसमें कोई नंबर लिखा हो स्टार्टिंग में और ना ही कोई सब्जेक्ट हो, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि पानी है तो सिंपल लिखेंगे देयर इज वाटर, फिर मैं बोल दूं दूध है तो देयर इज मिल्क, या फिर बोल दूं हवा है तो देयर इज एयर, या फिर मैं अगर कैसे भी बात बोल दूं, मेरे पास अगर सब्जेक्ट ना हो, सिंपल सी बात बोलूं, अगर स्टार्टिंग मेरे पास जो किसी थिंग से शुरू होती है, किसी भी चीज के नाम से शुरू होती है, तो हम उसके हम वहां पे क्या देयर लगाएंगे। जैसे मैं बोल दूं कि सेब है तो बोलेंगे देयर इज एप्पल, मैं बोलूंगा सेब था तो देयर वॉज एप्पल, इस तरीके से बोल देते हैं। तो और भी हमारे पास जितनी भी बातें आती, अगर मेरे पास कोई सा सेंटेंस किसी भी थिंग के नाम से शुरू होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि मार्कर, मतलब मार्कर है, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे देयर इज अ मार्कर, मैं बोल दूँ मार्कर था तो बोलूंगा देयर वॉज मार्कर, बोलूंगा मार्कर होगा तो देयर विल बी मार्कर। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें, पहला मैंने बता दिया क्या था और जो दूसरा है वो बता दिया। तीसरी बात करते हैं, अगर मेरे पास सेंटेंस स्टार्ट होता है यहाँ
वहां या फिर इसमें, अगर ये सारे के सारे आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए। देखो जैसे हमारे पास पहला और जो दूसरा है, अगर ये जिसको समझ में ढंग से आ गया, तीसरा वाला अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं बोल दूँ दो गाय है, तो हमारे पास क्या पहला वाला केस अप्लाई हो रहा है इसमें। मैंने बोला कि दो गाय है, इसमें क्या पहले हमें पहला वाला केस याद आएगा, फिर मैं देखा वहां लिखा हुआ है, इसको बस हम लास्ट में लिख देंगे। मैं अगर बोल दूँ कि दो गाय है, तो देर आर टू काउस, पहला वाला पहले अप्लाई करेंगे कि देर आर टू काउस, उसके बाद यहाँ मेरे पे लिखा हुआ है वहां, तो इसको बस हम लास्ट में लगा देंगे। मैंने लिखा दो गाय है, तो देर आर टू काउस, लिखा है वहां, वहां की जो इंग्लिश है होती देर, तो इसको मैंने लास्ट में लगा दिया। फिर मतलब शांति रहेगी, तो देर विल बी पीस। अब क्या है कि लास्ट में यहाँ की बात करें तो इसको हम लगाएंगे लास्ट में। और देखो इसमें मेरे पास है इसमें, इसमें का मतलब बोलते हैं इस, फिर मैं, तो इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में इन इट, ये बोलते हैं इसमें, या फिर इसको टच करके भी लिख सकते हैं इसमें या फिर इसमें, किसी भी तरीके से। मैंने बोला कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने बोला कि कोई बुराई नहीं है, तो देर इज नो एविल, मैंने देर इज नो एविल, तो इसमें लगा, मैंने इसमें लगा रखा है, तो इसमें हमारे पास क्या है लास्ट में आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखे चलना कि अगर ऐसा कुछ भी आता है, मतलब ऊपर वाले दोनों के दोनों हो और उसमें स्टार्टिंग में कोई सा भी वर्ड लिखे हो, बस इस वर्ड को तुम्हें लास्ट में लगाना है और कुछ नहीं है। अब जो मेरे पास सबसे लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला जिसको समझ में आ गया वो समझो कि इस चैप्टर को अच्छे से कर लेगा, और जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया वो थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके उस बस की जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो करो, इसको स्पीड स्लो करने के बाद जो तुम्हारे पास जितनी बातें हैं वो सारी की सारी समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं इसका जो मेरे पास फोर्थ केस है, फोर्थ केस क्या करेंगे, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट विद एनी ऑब्जेक्ट या थिंग नेम, अगर किसी भी चीज के नाम से शुरू होता है या फिर माई से शुरू होगा, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, वहां भी हम देर का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज, देखो सब्जेक्ट क्या गलत मैंने लगा दिया देयर, तो देयर इज अ बिग पॉन्ड, जो हमारे पास तालाब है उसे पॉन्ड बोलते हैं, तो देयर इज अ बिग पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, तो ये मेरे पास सिंपल सेंटेंस हो गया। फिर मैंने बोला स्कूल में 10 लड़के हैं, अगर मैं सिंपल बोलूं मैं 10 लड़के हैं तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्कूल में 10 लड़के थे, स्कूल में 10 लड़के थे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर वर 10 बॉयज इन द स्कूल, तो देखो सिंपल सा वही हमारे पास है, बस देयर का यूज करना है और सारे के सारे सेम ही सेंटेंस आते हैं, बस ये थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंस है और कुछ नहीं है। लास्ट में मैंने बोला कि मेरे गांव में 4 हाथी हैं, तो मैं क्या, देखो अगर मेरे को हटा दूं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इन माई विलेज, वहां तक यहाँ तक सारा सेम है, देर आर 4 एलिफेंट, देर वर 10 बॉयज, फिर मैंने बोला देर इज बिग पॉन्ड। अब ना इसके आगे जो मेरे पास जितनी भी ये बातें आती हैं वो सारे के सारे थोड़े से एडवांस जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं है, वरना मेरे पास सेंटेंस क्या है, सेंटेंस सेम है हमारे पास कि देर आर 4 एलिफेंट, अगर मैं बोल दूं कि 4 हाथी है, मैंने बोला कि 4 हाथी है, तो सिंपल का सेंटेंस कहाँ आ जाएगा, ऊपर में से जो पहला वाला केस है वो आ जाएगा 4 हाथी है, तो यहाँ पे वही सेम लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि मेरे गांव में 4 हाथी है, अगर इसको सिंपल बोल दूं कि हाथी है तो क्या बोलूंगा, या फिर मैं बोल दूं 4 हाथी है तो बोलूंगा देर आर 4 एलिफेंट, मैं सिंपल बोलूंगा देर आर 4 एलिफेंट, लेकिन मैं बोला मेरे गांव में 4 हाथी है, तो पहले मैं सिंपल वाले देखूंगा कि देर आर 4 एलिफेंट, फिर कहाँ की बात चल रही है, तो मेरे गांव की बात चल रही है, तो लास्ट में लगा दिया इन माय विलेज। देखो ये जो वीडियो है इसे कम से कम तुम्हें 2 से 3 बार देखनी है, जो इस वीडियो को समझ गया तो समझ लो कि तुम्हारी जो देर की प्रॉब्लम है सबसे पहले वो खत्म हो जाएगी, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार देख लो, और जिसको भी प्रैक्टिस करनी है वो एक बार कमेंट में जरूर बता सकता है। धन्यवाद।